हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो फ्रेंड्स, वापस से बॉलीवुड की तरफ से एक और तड़कती भड़कती ऐसी एक मूवी आ रही है जिसका नाम है गोविंदा नाम मेरा। जी हाँ फ्रेंड्स, व्हाइट पाउडर की ये एक और मूवी है। अब जिन लोगों को व्हाइट पाउडर गैंग के बारे में नहीं पता, आप लोग गूगल कर सकते हो क्योंकि ये बहुत पुराना जोक है, ठीक है। सो व्हाइट पाउडर गैंग यानी कि धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से एक और मूवी आई है जिसमें कि करण जौहर के बेस्ट फ्रेंड विकी कौशल, भूमि पेंदेकर और कियारा अडवाणी को हम देखेंगे। ये अभी ट्रेलर आया और ये मूवी हॉटस्टार पे आने वाली है 16 दिसंबर को, यानी कि डायरेक्टली ये मूवी OTT पे आने वाली है, ये कोई थिएटर्स में नहीं लगने वाली। और मैं बोलना चाहूंगा कि एकदम बेस्ट डिसीजन है कि ऐसे मूवीज को आप लोग थिएटर में ना रिलीज करके डायरेक्ट OTT पे रिलीज कर दे। और आजकल ऐसे मूवीज को रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कुली नंबर वन। जब वरुण धवन ने की थी तब उसको कैसा रिस्पॉन्स मिला था और कितनी क्रिंज मूवी थी ये बताने की जरूरत नहीं है। इसमें हमको दिखाया जाता है कि एक डांसर है, कोरियोग्राफर, उसकी एक गर्लफ्रेंड है और उसकी बीवी भी है। एक्चुअली वो अपने बीवी से बहुत परेशान है और वो डिवोर्स चाहता है, लेकिन उसकी बीवी उसको पैसों के लिए डिवोर्स नहीं देना चाहती। बट इसके बीच में एक कोई मर्डर हो जाता है और उसके बाद में मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए गए। इसमें बहुत सारे टीवी एक्टर्स को यूज किया गया है, जैसे कि CID में से दया को किया गया है और एक कोई वेब सीरीज में से कैरेक्टर को यूज किया गया है। एक मराठी एक्टर भी इसमें है जिसका नाम है अमय वाघ, वो भी काफी अच्छे एक्टर है। तो बहुत सारे मिक्स एक्टर्स को लेके ये मूवी कर रहे हैं। और करण जौहर की मूवी है तो ऑब्वियसली इसमें क्रिंज कॉमेडी तो होगी, और ह्यूमर के नाम पर तो भाई साहब इसमें कुछ भी नहीं था। मतलब पूरे ट्रेलर के दौरान एक बार भी हंसी नहीं आई। आप लोगों को आई होंगी तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, मुझे तो नहीं आई। और मेन चीज इसकी मुझे सबसे बुरी लगी वो थी विकी कौशल की एक्टिंग, क्योंकि भाई पता नहीं यार, उस बंदे को मैंने उरी में देखा था और वो बंदे ने इतनी तोड़ एक्टिंग की थी ना, मतलब बहुत ज्यादा रॉकिंग एक्टिंग की थी। और यहाँ पे उसकी कॉमिक टाइमिंग है ना, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रही थी। उसके एक्शंस भी पता नहीं थोड़ा सा वियर्ड टाइप सा लग रहा था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा और सिजली अगर हॉट कोई लग रहा था तो वो थी कियारा अडवाणी, एक नंबर लग रही थी वो। और भूमि पेंदेकर ओवरऑल अच्छी लग रही थी, भूमि पेंदेकर का भी रोल ज्यादा नहीं दिखाया जाएगा, आई थिंक वो फर्स्ट हाफ में उसको निपटा देंगे। पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या फिर कोई और मर्डर हुआ ही ना हो, हमको बस वैसा फील किया जाए कि मर्डर हुआ है, बाद में दिखाया जाए कि नहीं हुआ था, तो इस तरह का ट्विस्ट एंड टर्न हो सकता है। मैंने ट्राई किया ये देखने का कि ये मूवी किसी की कॉपी है क्या, बट मुझे वैसा कुछ मिला नहीं। आई थिंक ये फिर ओरिजिनल कंटेंट ही होगा, अब तक तो मुझे मिला नहीं, आगे कुछ मिलेगा तो पता नहीं, लेकिन अभी के लिए तो ये ओरिजिनल कंटेंट है बॉलीवुड की तरफ से। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मूवी कैसी होगी। म्यूजिक काफी अच्छा लगा मेरे को, म्यूजिक अच्छा लगा ट्रेलर में। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू गोविंदा नाम मेरा को लेके। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हमें थोड़ा सा अभी ग्रो होना है जल्दी जल्दी, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो। मैं भी मेरी तरफ से रेगुलर रहने का ट्राई करता हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब किया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।